पाठ तेरह दशमलव एक काल तथा पक्ष टेंस एंड एस्पेक्ट सहायक क्रिया आपको बताया गया था कि क्रिया पदबंध में से यदि मुख्य क्रिया को अलग कर दिया जाए तो जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है जैसे लिख रही है लिखती है लिखेगी लिख चुकी है में से मुख्य क्रिया लिख को अलग करने के बाद क्रमशः रही है ती है एगी तथा चुकी है अंश बचते हैं जो सहायक क्रिया के अंश हैं। सहायक क्रिया की रचना काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है इस अध्याय में हम काल तथा पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे काल टेंस काल टेंस तथा समय टाइम एक नहीं होते समय का संबंध भौतिक जगत से होता है तथा काल का भाषा से समय का व्याकरणिक रूप ही काल है काल के भेद काल के तीन भेद किए जाते हैं काल वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह प्रत्यय है हू हो तथा हैं। उदाहरण बच्चे नाश्ता कर रहे हैं वह रोज शाम को घूमने जाता है तुम कहाँ रहते हो मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ मेरी बहन आँखों की डॉक्टर है भूतकाल बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह प्रत्यय हैं था थे, थे, थी, थी अथवा आ ए ई, उदाहरण वे कल घर पहुंच गए थे वह गाना गा रही थी वह रोज फिल्म देखता था आप कब आए गाड़ी चली गई भविष्यत काल, भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं भविष्यत काल सूचक चिन्ह प्रत्यय हैं गा गे गी गी उदाहरण मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप मेरे यहाँ कब आएंगे वह शादी में नहीं आएगी वह तुम्हें रुपये नहीं देगा क्या आप मेरे साथ चलेंगी पक्ष एस्पेक्ट क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है पर ध्यान रखिए, जब भी कोई क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है जैसे बच्चा ताली बजाता है वाक्य में ताली बचाने की क्रिया आरंभ हो चुकी है और हो सकता है इसमें एक क्षण का समय लगे जबकि बच्चा रो रहा है वाक्य में रोने की क्रिया में हो सकता है एक घंटा लगे कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक की अवधि के दौरान हमें यह पता चलता है कि क्रिया कैसे घटित हुई सहायक क्रिया के वे अंश प्रत्यय जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है हिंदी में प्रमुख पक्ष तीन हैं आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष आवृत्ति का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना और नित्य का भी लगभग यही अर्थ है कि वह कार्य बार बार या रोजाना होता हो सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह प्रत्यय है 'त'। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उदाहरण देखिए वह गीत गाता है माताजी भोजन बनाती हैं, हम फिल्म देखते हैं सूरज पश्चिम में डूबता है ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है जैसे मैं पढ़ाता था, था। इस वाक्य का अर्थ यह है कि भूतकाल का वाक्य होने के कारण पढ़ाने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है अब नहीं पढ़ाता लेकिन तब प्रत्यय यह बता रहा है कि जब तक पढ़ाया बार बार पढ़ाया नित्य पढ़ाया अन्य उदाहरण देखिए हम फिल्म देखते थे वह शाम को टहलने जाता था सातत्य बोधक पक्ष सतत्य शब्द सतत शब्द से बना है जिसका अर्थ है किसी कार्य का लगातार होना अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूस एस्पेक्ट कहते हैं और इसका चिन्ह आई एन जी होता है हिंदी में इसका चिन्ह प्रत्यय रह है जैसे बच्चे नहा रहे हैं वाक्य में रह से यह अर्थ निकल रहा है कि नहाने की क्रिया लगातार चल रही है यह पक्ष भी वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है जैसे वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष घोड़ा दौड़ रहा है लड़कियां नृत्य कर रही हैं, वे ताली बजा रहे हैं हम लोग चाय पी रहे हैं भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष घोड़ा दौड़ रहा था लड़कियां नृत्य कर रही थीं, वे ताली बजा रहे थे हम लोग चाय पी रहे थे पूर्ण पक्ष जहाँ कार्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण पक्ष होता है अंग्रेजी में इसे परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं यह भी वर्तमान तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है जैसे वर्तमान काल पूर्ण पक्ष हम बाजार हो आए हैं मैंने काम कर लिया है प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं भूतकाल पूर्ण पक्ष हम बाजार हो आए थे मैंने काम कर लिया था प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे थे हमने सीखा क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश बचता है उसे सहायक क्रिया का अंश कहते हैं। सहायक क्रिया की रचना काल पक्ष वृत्ति वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में तीन काल होते हैं वर्तमान भूत एवं भविष्य काल जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं हिंदी की क्रियाओं में तीन पक्ष मिलते हैं आवृत्ति मूलक पक्ष सातत्य बोधक पक्ष तथा पूर्ण पक्ष पक्ष सूचक प्रत्यय वर्तमान और भूत दोनों कालों में लग सकते हैं